आता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खुश है। और जो साथ लगाए उस साथ में देखते कितना आगे जाते हैं और कितने समय में 15 रोटी और मिक्स वेज उड़ाते हैं। और यसीन जी तो अपना 1300 चालू कर दिए। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में मिक्स वेज और रोटी रखी हुई है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है मिक्स वेज और रोटी खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मिक्स वेज के साथ में लगी हुई है 15 रोटी। ताज हमारा 15 रोटी मिक्स वेज ईटिंग चैलेंज है। इस चैलेंज में फूलचंद जी और मोहम्मद असीन जी दो चैलेंजर बैठ चुके हैं। देखते हैं दोनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन 500 रुपए इनाम की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ मिक्स वेज और 15 रोटी का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में दो महारथी बैठ चुके हैं। एक तरफ है मोहम्मद असीन और दूसरी तरफ बैठे हैं फूलचंद, जो कि एक्सीलेटर के बहुत एक्सपर्ट हैं। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके इनाम की राशि कौन लेकर जाता है। देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दिया जाए और यहाँ पर 15 रोटी सबसे पहले कौन उड़ाता है, कौन जो है इनाम की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ मिक्स वेज और रोटी का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खुश है। और जो साथ लगाए उस साथ में देखते कितना आगे जाते हैं और कितने समय में 15 रोटी और मिक्स वेज उड़ाते हैं। और यसीन जी तो अपना 1300 चालू कर दिए, एक बार में एक रोटी उड़ा दे रहे हैं मिक्स वेज के साथ। तो देखते हैं फूलचंद जी जो पावर लगाए उस पावर को कितना आगे ले जाते हैं। बहुत गजब। और टावर में पावर लाने के लिए पूरी तरह से एक्सीलेटर चालू कर दिए हैं फूलचंद, और वहीं पर अपनी मशीन को चालू कर दिए हैं मोहम्मद यसीन। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं मोहम्मद यसीन और क्या कमाल करते हैं फूलचंद। दो के दोनों लोग पूरी तरह से मंजिल की ओर भागना चालू कर दिए हैं और रोटी और मिक्स वेज को दौड़ाना चालू कर दिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। जो साहस लगाए उस साहस में देखते हैं कितना आगे जाते हैं। क्या गजब, मिक्स वेज को फूलचंद जी पहले उड़ाते हैं या मोहम्मद यसीन जी? अरे भैया, मिक्स वेज के साथ साथ रोटी को भी उड़ाना है, नहीं तो मिक्स वेज खा लो रोटी छोड़ दो। तो चैलेंज यहाँ पर दोनों चीज़ों का है। तो लेकिन रोटी के साथ ही मिक्स वेज उड़ा पाएंगे, अकेले मिक्स वेज उड़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर दोनों लोग पूरी तरह से अपनी पुरजोर कोशिश करते हुए मंजिल की ओर जा रहे हैं। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं दोनों लोग, कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन लेता है इनाम की राशि। पूरी तरह से सस्पेंस बना हुआ है और इस सस्पेंस को पूरी तरह से खोलते चले जा रहे हैं एक एक रोटी कम करके। और दोनों ही चैलेंजर बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत गजब। और देखते ही देखते फूलचंद की थाली खींचना चालू कर दिए हैं पवन जी। सोच रहे हैं कि उधर थाली लेकर कहाँ भाग रहे हो भैया, तो चैलेंज से कहीं दूर भाग जाएं थाली लेके। हाँ, तो आपको एकदम कैमरा के सामने रहना है थाली लेकर और पूरी तरह से एकदम खटाखट बाइट पे बाइट मोहम्मद यसीन लगाते चले जा रहे हैं और इस बाइट का जवाब दे रहे हैं फूलचंद। और फूलचंद का एक्सीलेटर पूरी तरह से चालू हो चुका है और मस्ती में झूमते नजर आ रहे हैं फूलचंद। और दोनों ही चैलेंजर 6 रोटी कंप्लीट कर चुके हैं 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट में 6 रोटी कंप्लीट किए हैं। तो देखते हैं जो 9 रोटी बची हुई है उसको कितने समय में कंप्लीट करते हैं। हमको लग रहा है 5 मिनट में 15 रोटी कंप्लीट कर जाएंगे जिस हिसाब से लोग खा रहे हैं। बहुत ही गजब ढंग से ये लोग अपने चैलेंज को पूरी तरह से लेकर भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे टंकी भरती जाएगी वैसे वैसे थोड़ा सा जो टाइमिंग है वो टाइमिंग कम होता जाएगा इन लोगों का। जितना मर्जी समय कम हो लेकिन चैलेंजर अपने फॉर्म में हैं। हाँ, और मिर्ची को इकट्ठा कर ले रहे हैं फूलचंद जी, और यही जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं यही इनको इनाम की राशि दिलाने में कामयाब होगा। और बहुत ही जल्दी जल्दी ये लोग बाइट अपना बढ़ाते चले जा रहे हैं और इस बाइट का पूरी तरह से बहुत ही अच्छा उपयोग कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि हमें अपने टारगेट पर ध्यान देना है और उस टारगेट को लेकर मंजिल की ओर जाना है। और यहाँ पर 2 मिनट 54 सेकंड के ऊपर टाइमर गया है और काफ़ी हद तक की रोटियाँ एकदम खाली नज़र आ रही हैं। बहुत बढ़िया। क्या हुआ, जब सीधा सीधा अंदर गई मिर्ची साहब तब पता लगा फूलचंद जी को क्या है यार। अरे यार, गले में तीखा लग रहा है कि मुंह में तीखा लग रहा है। बहुत गजब, पूरी की पूरी मिर्ची खा ली है फूलचंद। और वो मिर्ची कह रहे हैं, लपेट रहे हैं मिर्ची तो भी फूलचंद जी लपेट के सीधा ले गए अंदर। तो अंदर जाते ही अपना असर दिखा दी मिर्ची। हाँ, और मिर्ची का असर पा गए तो पेट्रोल के और पेट्रोल पड़ गया है। हाँ, गाड़ी में तो गाड़ी को अब 365 की स्पीड में दौड़ाने वाले हैं। बहुत गजब। और बहुत ही गजब ढंग से मोहम्मद यसीन एकदम बाइट पे बाइट मारते चले जा रहे हैं, रोटी को एकदम पूरी तरह से समाप्ति की ओर लेकर जा रहे हैं। जबकि फूलचंद के मिर्ची लगी तो हम क्या करें। नहीं नहीं, 7 रोटी फूलचंद जी के पास है तो 6 ही रोटी यसीन जी के पास है। एक ही रोटी से बढ़त बनाए हैं, बाकी दोनों चैलेंजर सेम चल रहे हैं। हाँ, ये मिर्ची के चक्कर में पड़ गए, उस रोटी को ध्यान नहीं दिए।
सब्जी को थोड़ा सा कम उड़ा रहे हैं। हाँ, फंसेंगे तो सब्जी से फंसेंगे। सब्जी से फंस भी सकते हैं, नहीं भी फंस सकते हैं। इनका एक्सीलेटर कब, इनकी ट्रिक कब, कैसे काम कर जाए, कोई भरोसा नहीं है। और वहीं पर मोहम्मद यासीन पहले से ही सारी की सारी ट्रिक लगाते चले जा रहे हैं और सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ सजेशन आ रहा है बाहर से। तो फूलचंद कह रहे हैं कि छोड़ो यार, कह रहे हूं मतलब है यार, अंदर से तीखा का एहसास हो रहा है इनको। बहुत गजब सूसा की आवाज आने लगी है पूरी तरह से। यासीन जी तीखा तो नहीं है? यासीन जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जितनी मर्जी मिर्ची डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत गजब। और इस समय पूरी तरह से, और इसी बात पे एक दिन हमारा और यासीन जी का हरी मिर्ची का चैलेंज हो जाएगा। हो जाएगा, चलो ठीक है देखते हो जाएगा हैं। मतलब हो जाएगा तो हो ही जाएगा। और देखिए कब लगता है हरी मिर्च का चैलेंज। तो दर्शक हमारे अपना दिल थाम के बैठे रहें और कमेंट करें कि कौन जीतेगा, मोहम्मद यासीन जीतेंगे या फिर फूलचंद जीतेंगे। दो के दोनों लोग पूरी तरह से भागते नजर आ रहे हैं। मोहम्मद यासीन थोड़ा सा गिलास से रोटियां जो है ढकी हुई हैं, इसलिए दिख नहीं रही हैं। कोई दिक्कत नहीं, चार चार रोटियां, चार और पांच रोटियां दोनों चैलेंजरों के पास है। हाँ, मोहम्मद यासीन के पास चार रोटी है तो फूलचंद के पास पाँच प्लस है। तो और हमको लग रहा है फूलचंद जी अब स्वाद ही लेकर जाएंगे और इनकी टंकी बोल जाएगी, ये इनाम की राशि नहीं ले पाएंगे। हाँ, कुछ कसर मसर तो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भंडारण ज़्यादा होता नज़र आ रहा है। और मोहम्मद यासीन के अभी समझ में नहीं आ रहा है कि भंडारण कम है या ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है मोहम्मद यासीन अभी भी कम से कम पांच रोटी खा सकते हैं। मोहम्मद यासीन जी का तो 20-25 का कोटा तो है ही है, तो 15 ही है तो कोटे के अंदर ही है। हाँ, बहुत गजब। तो देखना है कि आज मोहम्मद यासीन कितने रोटी का रिकॉर्ड बनाते हैं, क्या है? और रोटी मांगते हैं या इतने ही रोटी में बस कर जाते हैं। लेकिन हमको नहीं लग रहा है और रोटी आज लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे डोज इनका कम हो गया है। हाँ, पहले से कम हो गया है काफ़ी हद तक का। और देखते ही देखते फूलचंद भी सब्जी को अपनी तरफ बुला रहे हैं कि आ जा। बुलाने से नहीं आएगी, खाने से ही कम हो पाएगी। हाँ, मतलब ये गाना लगा रहे हैं एक बार, आ जा आ जा आ जा। हाँ, दिखला जाए। तो यहाँ पर मोहम्मद यासीन बहुत ही मस्ती में इस चैलेंज को पूरी तरह से मंजिल को लेकर जाते नजर आ रहे हैं। और वहीं पर फूलचंद एकदम अब फूले फूले दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि फूलचंद आगे जाने के कगार पे नहीं है। फिर क्या चाहिए? और रोटी चाहिए? नहीं नहीं, कह रहे हैं ऑरेंज बना के चल रहे हैं भैया, इतनी सब्जी से हम रोटी खा लेंगे। बहुत गजब। और फूलचंद तो बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं और 6:47 के इस दौर में लगभग फूलचंद हमको लग रहा है कि एकदम से पीछे हो जाएंगे ना बोलकर, जबकि मोहम्मद यासीन के थाली में मात्र दो रोटी बची है, थोड़ा सा सब्जी बची है। लेकिन लगे हुए हैं, नो स्टॉप सोच रहे हैं कभी क्या आपका मौका मिल जाए, यासीन जी बोल जाए ना और हम आगे बढ़ जाए। बहुत गजब, अपने स्पीड में लगे हुए फूलचंद जी। जिस ढंग से मोहम्मद यासीन अपनी फुर्ती दिखाए हैं, अगर उसी ढंग से फूलचंद भी अपनी फुर्ती दिखाए होते तो हो सकता था कि चैलेंज का पासा कुछ पलट सकता था। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद यासीन पूरी तरह से अपने हाथ में कवर कर लिए हैं। मोरन में बात है क्या? और आज सब्जी में काफी मिर्ची जो है फूलचंद के थाली में आ गई है और कह रहे हैं यार, कह रहे हैं मिर्ची हमारे में, मिर्ची मेरे में ही है क्या? हमको लग रहा है मिर्ची वाला सब्जी जो है फूलचंद जी के प्लेट में आ गया है सारा। ध्यान न देवा कर तीत न लागे, ध्यान देवा कर तीत लागे। वो मुंह में जाएगी, ध्यान तीत नहीं लगेगी। नमक खाते हैं। बहुत गजब। और 7:50 हो चुका है मोहम्मद यासीन जी को खाते और हमको लग रहा है 8:30 लग जाएगा इनको कंप्लीट करते करते। बहुत गजब। और लास्ट रोटी उठा लिए हैं मोहम्मद यासीन। और अगर फूलचंद जी चलते रहते तो हमको लग रहा था 7 मिनट में ही कंप्लीट कर लेते, लेकिन दूसरा चैलेंजर जब डाउन हो जाता है तो पहला चैलेंजर सोचता है कि हम इनाम की राशि अब पा ही जाएंगे, आराम से आराम से लेकर चलते हैं। और वहीं पर मोहम्मद यासीन काफ़ी हद तक का मेहनत करते हुए एकदम मंजिल के कगार पर पहुंच चुके हैं। मात्र दो बाइट का यहां पर इंतज़ार है और यही दो बाइट पूरा करते ही मोहम्मद यासीन जीत हासिल कर लेंगे और जो इनाम की राशि है मोहम्मद यासीन के पास पहुंच जाएगी। तो मिर्ची खिलाएं क्या? 4-5 सब मिर्ची। तो
इसी लास्ट वाइज के साथ मोहम्मद हसन जी बिन कर चुके हैं, तो इनको इनाम की राशि कैसे देते हैं। फूलचंद जी आराम से मिर्ची छाट के खाते रहिए। मिक्स वेज 15 रोटी टीम चैलेंज में लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों को धन्यवाद करते हैं और मोहम्मद हसन जी को इनाम की राशि कैसे देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में दोनों चैलेंजर बहुत तेजी से दौड़े, लेकिन फूलचंद का एक्सीलेटर फेल हो गया और मोहम्मद हसन की मशीन फेल नहीं हुई है और इस चैलेंज को जीत गए हैं। पैसा भी इनके हाथ में पहुंच चुका है। पैसा मिल गया भैया? मिल गया भैया। कितना है? 500 पूरा है ना? पूरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको यह चैलेंज कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत मजा। खाने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, कोई ज्यादा खट्टा तो नहीं था? नहीं खट्टा नहीं। मिर्ची तो नहीं लगी? मिर्ची है। और चंदी अभी भी फूले फूले फिर रहे कह रहे नहीं, फूलचंद का एक्सीलेटर तो जब मिर्ची खाए तभी से स्लो होता नजर आ गया। अभी भी मिर्ची निकाल कर दिखा रहे हैं और काफी मिर्च खड़े खड़े और काफी मिर्च जो है अभी इनके थाली में टहल भी रही है। तो यसीन जी कह रहे हैं तुम्हें मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मुझे तो भाई बढ़िया लगा और मजा आया। तो इनाम की राशि, अगर मिर्ची के से घबराएंगे तो इनाम की राशि नहीं पाएंगे। तो ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों को धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।